मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश 2। फिर से एक बार जुड़ गए हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 है जो स्टार्ट किया था कलेक्टिंग एंड मटेरियल नाउंस। तो जो चाहे चैप्टर है आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट में हमने जो कॉमन कलेक्टिव नाउंस है इसका एक लिस्ट बनाया हुआ था और मैंने आपको बोला था कि जो लिस्ट आपने वो लिखा है उसको रीड करके रखना है, याद करके रखना है। आज हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सो टेक आउट योर बुक, ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट टू राइट। ओके, thank you।
the houses.
सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। थिंग्स कोई भी थिंग्स हो वो किसी से बनी ही होगी, है ना। तो इससे बनी है वो जो उसमें मटेरियल यूज होता है, जिससे भी बनी हो उसको हम मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि आप ज्वेलरी पहनते हो, है ना, वो चेन है या गले में नेकलेस है, तो वो कोई ना कोई चीज से बना हुआ होता है। गोल्ड से बना हुआ होता है या सिल्वर से बना हुआ होता है, तो गोल्ड है वो क्या होता है, मटेरियल। नाम या कोई भी बुक ले लो, ये एक बुक है, तो बुक है वो किस में से बनी है, पेपर में से। पेपर है वो भी एक मटेरियल है। पेपर भी किस में से बनता है, तो वुड में से बनता है, तो वुड भी क्या हुआ, मटेरियल हुआ। तो मटेरियल नाउन यही है कि जो कुछ भी चीज बनाने के लिए जो भी सब्सटेंस है, कुछ भी हम यूज करते हो, सबको हम मटेरियल बोलते हैं। ओके, मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस। ग्लास,
grow leaf. स्टोन्स भी लिख सकते हैं हम, ओके, प्रीशियस वाइट रॉक्स भी
मटेरियल जाएगा आई डोंट एट मच ग्रेन इन माय टी। टी में कौन सा मटेरियल यूज होता है तो शुगर, यहाँ पे आएगा शुगर। सो आई डोंट एट मच शुगर इन माय टी।
कौन सा मटेरियल यूज होता है? वुड। तो ब्लेड इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स? हियर इज आंसर इज लीड। लीड इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स। ग्रेफाइट जो होता है वो भी पेंसिल्स बनाने के लिए यूज होता है। तो ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है और जो हमारा लेसन है चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। जो जो आपने लिखा है, जो लिस्ट हमने मटेरियल नाउन की और कलेक्टिव नाउन की जो लिस्ट हमने लिखी है वो आप जरूर से रीड करना और जो डेफिनेशन लिखी है वो भी आपको टेस्ट में पूछी जा सकती है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करके रखना। ओके, सो प्रैक्टिस इन योर बुक।